गूगल सीईओ की सफलता की कहानी। सुंदर पिचई। कोई इंसान इसलिए खुश नहीं है कि उसके जीवन में सब कुछ सही है, वह खुश है क्योंकि उसका अपने जीवन की सभी चीजों के प्रति दृष्टिकोण सही है। ये कहना है, अपनी बुद्धि, योग्यता, परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण के दम पर गूगल जैसे शीर्षस्थ अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सर्वोच्च पद सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर शोभित होने वाले युवा भारतीय टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई का। एक साधारण परिवार में जन्मे, साधारण परिवेश में पले बड़े शांत सौम्य सुंदर पिचाई ने असाधारण सफलता प्राप्त कर भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित कर दिया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने सफलता का ये सफर किस प्रकार तय किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को मदुरई, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम सुंदर राजन पिचाई है। उनके पिता रघुनाथ पिचाई जनरल इलेक्ट्रिक को में सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनकी माँ लक्ष्मी पिचाई स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी, लेकिन उन्होंने यह नौकरी पिचाई के छोटे भाई के जन्म के उपरांत छोड़ दी। उनका बचपन चेन्नई के अशोक नगर इलाके में बीता। 4 लोगों का उनका परिवार वहां 2 कमरे के एक छोटे से मकान में रहा करता था। उनके पिता की आय सीमित थी, जिसके कारण उनका जीवन स्तर साधारण था। टीवी, फ्रिज, कार जैसे ऐशो आराम के साधन उनके पास उपलब्ध नहीं थे। उनके पिता सुख सुविधाओं के साधनों से अधिक अपने बच्चों की शिक्षा पर बल दिया करते थे। जब पिचाई 12 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने पहला डायलर फोन अपने घर पर लगवाया। ये पहली टेक्नोलॉजी से संबंधित वस्तु थी जो पिचाई ने अपने घर पर देखी थी। घर पर फोन लगने के बाद पिचाई को स्वयं की एक विलक्षण प्रतिभा का पता चला। वे जो भी नंबर डायल करते, वह उनके दिमाग में छप जाता। वे उस नंबर को कभी नहीं भूलते थे। आज भी कई वर्षों पुराने नंबर उन्हें याद हैं। प्रारंभिक व उच्च शिक्षा। सुंदर पिचाई शांत स्वभाव के होनहार छात्र थे। पढ़ाई के अतिरिक्त उनकी खेलों में भी रुचि थी। अपने स्कूल के क्रिकेट टीम के वे कप्तान थे। 10वीं कक्षा तक उन्होंने चेन्नई के अशोक नगर में स्थित जवाहर विद्यालय से पढ़ाई की। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई IIT चेन्नई स्थित वानावाणी स्कूल से की। 17 वर्ष की उम्र में IIT प्रवेश परीक्षा पास कर उन्होंने IIT खड़गपुर में दाखिला ले लिया। वहां उनकी ब्रांच मेटलर्जिकल और मटेरियल साइंस थी। अपनी इंजीनियरिंग के दौरान 1989-1993 वे हमेशा अपने बैच के टॉपर रहे। वर्ष 1993 में उन्होंने फाइनल परीक्षा में अपने बैच में टॉप किया और रजत पदक हासिल किया। अमेरिका में शिक्षा और प्रारंभिक जॉब। IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद सुंदर पिचाई स्कॉलरशिप पर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। वहाँ मटेरियल साइंस और एंग में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया। MBA की ओर रुझान होने के कारण उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल से MBA की डिग्री प्राप्त की। MBA करने के उपरांत उन्होंने अप्लाइड मटेरियल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग का कार्य किया। फिर मैकिन्जी और कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट का कार्य किया। गूगल में प्रवेश। 1 अप्रैल 2004 को सुंदर पिचाई गूगल में अपना इंटरव्यू देने गए। उसी दिन कंपनी ने जीमेल का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च किया था। इंटरव्यूअर ने उनसे जीमेल के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे। प्रारंभ में पिचाई उन प्रश्नों का ठीक से कुछ उत्तर नहीं दे सके। उन्हें लग रहा था कि शायद इंटरव्यूअर्स उनसे अप्रैल फूल का मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें जीमेल का यूज करने के लिए कहा गया, तब कहीं वे अपने विचार खुलकर उनके सामने रख सके। उनके विचारों से इंटरव्यूअर्स इतने प्रभावित हुए कि उन्हें तुरंत जॉब पर रख लिया गया। गूगल में उनकी प्रारंभिक जिम्मेदारी गूगल टूलबार और सर्च से संबंधित थी। गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट। सुंदर पिचाई ने जब गूगल में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय गूगल टूलबार और सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट ऑप्शन हुआ करता था।
एक दिन उन्हें विचार आया कि गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सर्च इंजन डेवलप कर उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट ऑप्शन सेट कर दिया तो गूगल वहां से परमानेंटली हट जाएगा। जब उन्होंने सीईओ एरिक श्मिट के समक्ष अपना यह प्रपोजल रखा तो उन्होंने इसे महंगा प्रोजेक्ट करार देकर इसे अप्रूव करने से मना कर दिया। लेकिन पिचाई अपनी इस बात पर अड़े रहे और गूगल के सह निर्माताओं लारी पेज और सर्गे ब्रिन को राजी कर लिया और 2006 में गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लिया। गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने के 6 बाद वही हुआ जिसकी पिचाई को शंका थी। 18 अक्टूबर 2006 को अचानक ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट कर लिया। गूगल को इंटरनेट एक्सप्लोरर से प्रतिदिन लाखों का ट्रैफिक मिलता था और प्रतिदिन लाखों की कमाई होती थी। यह गूगल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इस स्थिति को पिचाई ने पहले से ही भांप लिया था। इसलिए अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटे में उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का लूप होल खोज के निकाला, जिसके कारण बिंग पर जो लोग मूव हुए थे उनके सामने एक पॉपअप विंडो में गूगल को फिर से अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट करने का ऑप्शन आने लगा। इस तरह उन्होंने गूगल के 60% यूजर्स को वापस रिटेन कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिले इस झटके के बाद गूगल ने स्ट्रैटेजिक मूव लेते हुए एचपी और सभी बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर्स से ये डील साइन कर ली कि वे अपने पीसी पर गूगल टूलबार और उसकी सर्च से संबंधित ऑप्शन डिफॉल्ट दिया करेंगे। सीनियर वॉइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोशन। सुंदर पिचाई की दूरदर्शिता ने गूगल को एक बड़े नुकसान से बचा लिया था। उनकी कार्यशैली और प्रतिभा को देखते हुए गूगल में उन्हें सीनियर वॉइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया गया। गूगल क्रोम परियोजना में पिचाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ तो यह गूगल की उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता थी। आज गूगल क्रोम विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। वाइस प्रेसिडेंट का पद। गूगल क्रोम की सफलता के बाद पिचाई को 2008 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बना दिया गया। 2012 में उन्हें गूगल ऐप और क्रोम का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2013 में एंड्रॉइड बनाने वाले हैंडी रुबिन के द्वारा यह प्रोजेक्ट छोड़ देने के बाद पिचाई ने इसकी कमान भी संभाल ली और अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। आज जैसे कंप्यूटर सिस्टम में ओएस का सबसे बड़ा शेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पास है, वैसे ही आज की तारीख में पर्सनल फोन में ओएस का सबसे बड़ा शेयर गूगल के पास है। इस सफलता के पीछे सुंदर पिचाई के कुशल नेतृत्व का हाथ है। उनकी योग्यता को देखते हुए 2014 में उन्हें गूगल के सभी प्रोडक्ट्स का ओवरऑल हेड बना दिया गया, जिसमें गूगल सर्च, गूगल मैप, गूगल प्लस, गूगल कॉमर्स व गूगल एड जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। गूगल की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय गूगल में लगातार हो रही नई इनोवेशंस को जाता है और इन इनोवेशंस के पीछे जो नेतृत्वकर्ता कार्य कर रहा है वो है सुंदर पिचाई, गूगल का सीईओ। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए गूगल ने उन्हें 10 अगस्त 2015 को कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया। इसके साथ ही सुंदर पिचाई भारतीय मूल के उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो 400 अरब डॉलर कमी करने वाली कंपनी के शीर्ष अधिकारी है। आज उनकी सालाना आय 335 करोड़ रुपये है। गूगल जैसी कंपनी जहां जॉब प्राप्त कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, उस कंपनी में एक भारतीय मूल के व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान पर पहुँचना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है।